फालामी मुहतरम नाजराम मुखाब हूँ आज मेरी नशस्त का मौजू है लॉकडाउन में ईद की नमाज कई भाइयों ने पूछा की मुली साहब अब ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासर है तीन लाख से ज्यादा लोग दुनिया से जा चुके हैं न जाने कब ये दुनिया से जाने वाला पता ही नहीं अल्लाह ही को बेहतर मालूम है तो यह रमज़ान 2020 का रमजान चौदह सौ इकतालीस हजरी का रमज़ान अनोखा रमज़ान है याद रखा जाएगा याद रखिएगा पांचों वक्त की नमाज घर पे हो रही है अलहमद लाला जुमा के दिन जहर की नमाज हम और आप घर के अंदर अदा कर रहे हैं अलहद ला जुम्मा भी मस्जिद के अंदर नहीं हो रही है घर को ही मस्जिद बना दिया गया है हमें और आपको सबर करना है इनशाला याद रखिएगा मस्जिदें खुलेगी, दोबारा आबाद होगी अब मसला आ गया है कि ईद की नमाज कैसे पढ़ें तारीख में ऐसा कम ही हुआ होगा पता ही नहीं कब हुआ कि लोगों ने घर के अंदर ईद की नमाज पढ़ी है पता ही नहीं ईद की नमाज इस महामारी में हम और आप कैसे पढ़ें याद रखिएगा, फिक्र तो होनी ही चाहिए जिस तरीके से तमाम चीजों की फिक्र है लोगों को तो सवाल पैदा होता है तो अब क्या करें लॉकडाउन में ईद की नमाज कैसे पढ़ें इसके अंदर दो अकवाल बयान किए जाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईद की नमाज घर के अंदर नहीं होगी उलमा का कहना है कि हो जाएगी क्योंकि तो यह परेशानी की वजह से है और दलील के तौर पर वो लोग लो ये पेश करते हैं सही बुखारी ईदैन बाब इज़ाफात युसली इमाम बुखारी रहा ने किताब उल्दीन में एक बाप बांधा है

इबन आबी उतबा हुक्म दिया कि वह अपने घर वालों को और बच्चों को जमा करके शहर वालों की तरह ईद की नमाज पढ़ाएं और तकबीर कहें इससे यह पता चला मजबूरी में ईद की नमाज घर के अंदर पढ़नी है और तकबीरें कहें मतलब पहली रकत में सात जायद तकबीरें होंगी दूसरी रकत में पांच जायद तकबीरें होंगी और ईद की नमाज के बाद क्या रहेगा फजर की नमाज जो पढ़ते हैं ना हम और आप तो उसके एक घंटे के बाद या डेढ़ घंटे के बाद चाश का वक्त जब शुरू हो जाता है तो नमाज का वक्त शुरू हो गया तो घर के अंदर तैयारी कर लीजिए मर्द भी तैयारी कर ले खुत भी तैयारी कर ले कोई आदमी जिसको कुरान ज़्यादा याद है और नमाज का तरीका मालूम है तो आगे बढ़ जाए मर्द आगे रहे खातिन पीछे रहे इसके अंदर ना अज़ान है ना एक है अगर घर के अंदर सिर्फ मियाँ बीवी ही हैं तो कैसे पढ़ेंगे शोहर आगे रहेगा बीवी पीछे रहेगी और पहली रकत में सात जायद है मतलब पहले कहेंगे अल्लाह अकबर फिर उसके बाद सना पढ़ लेंगे सुबह नकल्ला तो सात जायद तकवीरें अल्लाह अकबर अल्लाह उकब अकबर उकब अकबर उकब अकबर उकब अकबर फिर उसके बाद अलहमदिल्ल रब आलमिन पढ़ेंगे जो सूर्य याद है वो पढ़ लेंगे एक रकत मुकम्मल हो होगे फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे पाँच ज़ायद तबीरें अल्लाह अकबर बरअल्ला अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर फिर पढ़ेंगे अलहदुल्लह रबिल आलमिन उसके बाद क्या होगा दो रकत हो गई सलाम फेर दिए कोई खुतबा नहीं कुछ भी नहीं यही फतवा है अभी सऊदी उलमा का कि बगैर खुतबे के साथ ईद की नमाज घर के अंदर अदा करनी है तो नाजरीन नाजरीनकर हमें यह मिला है कि मजबूरी में ऐसा हो रहा है तो हम और आप इस पर अमल करें अता ने यह कहा सही बुखारी किताबुल ईदैन किताबल बाबुलफात यूसली रकतन इजाफा तो कि जब ईद की नमाज छुट जाए तो दो रकत नमाज पढ़ ले तो नाजरीन ने लॉकडाउन में ईद की नमाज भी घर के अंदर अदा करनी है उसके अंदर कोई खुतबा नहीं देना है बस दो रकत नमाज़ पढ़ लेनी है और वक्त मैंने बता ही दिया आपको सुबह का वक्त है चाश के वक्त से यह वक्त शुरू हो जाता है नमाज पढ़ लीजिए और जायद तकबीर बोल दीजिए अब मजबूरी में ऐसा हो रहा तो क्या करेंगे सबर कीजिए और इन श्ला पूरा पूरा सवाल मिलेगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली हम लोगों की नमाज को कबूल फरमा ले रमज़ान कबूल फ़मा ले सदक व ख़ैरा कबूल फरमाए आमीन और एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं तकबल अल्लाह मुन्ना वमक घर के अंदर रहिए सबर कीजिए इंशाल्लाह पूरा पूरा सवाल मिलेगा ये चंद बातें थी अल्लाह ताला हम लोगों की इबादत को कबूल फरमा अमीन वाले वरहमत लाही वर्क